Hi guys, this is Mr. S. Prasad from Secret of Investment Channel. आज मैं अपने छोटे से वीडियो के मार्फत से मोटिवेशन ऑफ सक्सेस पार्ट 13 लेकर आपके सामने आया हूँ। उम्मीद है इसके सारगर्भित तथ्यों और विलक्षण बातों से आप निश्चित रूप से प्रभावित होंगे और इसे पसंद करेंगे। इंसान के ज़िंदगी में उसकी सफलता और उपलब्धि के लिए ईमानदारी एक बहुत ही अपेक्षित गुण है और ईमानदारी संतोष से पैदा होता है। संतोष एक ऐसा विलक्षण गुण है जो ईमानदारी को जन्म देता है और उससे बहुत सारे इंसान के ज़िंदगी के अवगुण स्वतः समाप्त हो जाते हैं। लोभ, लालच, ज़्यादा पाने की लोभ, ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाती है और आदमी को पथभ्रष्ट होने से रोकता है, उसको पतित होने से रोकता है। आदमी के अंदर संतोष एक ऐसा ताकत है, एक ऐसा गुण है जो बहुत प्रभावी पड़ता है। संतोष का सुख कम होने के दुख और ज्यादा पाने के लालच से परे है। इसलिए शास्त्रों ने ईमानदारी को एक धर्म माना है। वो धर्म ही क्या जिसमें ईमानदारी ना हो? ईमानदारी के बिना धर्म का कोई मोल नहीं। इसलिए जिंदगी की उपलब्धि क्या है? खुशी। और खुशी अगर ईमानदारी से मिलती हो तो फिर क्या चाहिए? जिंदगी की सफलता और उपलब्धि अगर खुशी है और खुशी अगर ईमानदारी से मिलती हो तो फिर इससे बड़ा क्या हो सकता है? दोस्तों, मैं अपनी कहानी की, अपने मुख्य इस तथ्य की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करना चाहूँगा। पुराने समय की बात है, किसी नगर में एक छोटा गरीब किसान बड़ा ही ईमानदार और खुददार था। अपने मेहनत और ईमानदारी से अपना खेती का व्यवसाय कर अपने परिवार के साथ बड़ा खुशी खुशी ज़िंदगी व्यतीत कर रहा था। उसी के समकक्ष उस क्षेत्र का एक बहुत बड़ा राजा हुआ करता था। वो न्यायप्रिय भी कहा जाता था और प्रजा वत्सल भी। वो प्रजा के बहुत ही उसको ध्यान रखता था और वह वेश बदल कर अपने नगर में जनता का हाल जानने के लिए घूमता फिरता था। एक बार की बात है, राजा बहुत चिंतित हो गया, अनेक परेशानियों से घिर गया और बहुत सारे जानकार लोगों को बुलाया, पंडित पुजारियों को या अन्य इस प्रकार के जो लोग होते हैं। बहुत सारे लोग आए, बहुत ने गंडे का बीज, बहुत ने अंगूठी पहना दी, यज्ञ करवा दिए, परंतु उससे कुछ हुआ नहीं। राजा अंत में अपने धर्म कार्य और प्रजा कार्य में व्यस्त हो गया, जिससे उसको कुछ शांति मिली। एक बार की बात है, राजा अपने राज्य में वेश बदल कर, एक सेठ का वेश बदल कर भ्रमण कर रहा था प्रजा की हाल जानने समझने के लिए। गांव के किनारे पर वो देखता है कि किसान अपने खेत में खेती करने के बाद बगल के पेड़ की एक छाया में बैठकर भोजन कर रहा था। उसकी माली हालत पर जो बाहर से दिख रहा था, राजा बड़ा द्रवीभूत हुआ और उसको मदद करने के लिए उसके विचार आया। वह किसान के पास गया और राजा ने कुछ मुद्राएं उसको देने का मन बना लिया था, इसे मैं मदद करूंगा। अब बताया कि भाई साहब, आप जो खेती कर रहे थे जिस खेत में, वहां पर ये स्वर्ण मुद्राएं मुझे मिली है। चूंकि आपकी खेत में मिली है इसलिए स्वर्ण मुद्राएं आपकी हुई, आप ले लें इसे। किसान बहुत चक्कर आ गया, कैसी स्वर्ण मुद्रा? ये मेरी स्वर्ण मुद्रा नहीं है, किसी और की हो। राजा पुनः कहा, नहीं, ये तो आप ही के खेत में मिली है ना।
तो निश्चित रूप से इस पर अधिकार आपका हुआ और इसके मालिक आप हुए, ये स्वर्ण मुद्रा आपकी हुई, आप इसे ले लें। लाख प्रयास करता रहा परंतु वो किसान इतना खुददार था कि लेने को तैयार नहीं, मेरा हो ही नहीं सकता, किसी और का होगा। और अंत में हाथ जोड़ लिया कि महाराज आप जाएं, मुझे काम करने दें, मुद्रा मेरी नहीं। राजा घूम फिर कर लौट गया अपने राज्य, किसान अपने कार्यों में व्यस्त हो गया। राजा लौट कर अपने राज्य में गया, अपने दरबार में गया और मंत्रियों से इस बात की चर्चा की। कौन सी बात? जो राजा और किसान के बीच में हुई थी। किसान ने उसे कहा था कि मुझे स्वर्ण मुद्रा की जरूरत नहीं है महाराज, आप मुझे दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आपकी मुद्रा है, आपके खेत में मिली, मेरी है नहीं, मैं तो गरीब किसान हूँ और प्रतिदिन चार आने कमाता हूँ और चार आने में मैं खुशहाल हूँ, परिवार के साथ खुशी खुशी जिंदगी व्यतीत कर रहा हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, चार आने में परिवार को। तो राजा ने पूछा कि चार आने में कैसे आप खुश हैं, कैसे परिवार चला लेते हैं? किसान ने कहा एक आना जो पहला आना है उसको मैं पानी में फेंक देता हूँ और दूसरा आना से मैं कर्ज चुकाता हूँ और तीसरा आना से मैं कर्ज देता हूँ और चौथा आना जो है उसको मिट्टी में गाड़ देता हूँ और इस प्रकार मैं खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहा हूँ। राजा समझ नहीं सका, किसान की इस पहेली को समझ नहीं सका, अंत में लौट कर राज्य में अपने आ गया और अपने मंत्रिमंडल में इसकी चर्चा की कि ऐसी ऐसी बात है, किसान को मैं मिलने गया था भ्रमण में और मुझे किसान से ऐसी बातें हुई, उसकी बातें मुझे समझ में नहीं आई, आप मुझे स्पष्ट करें इसका मतलब क्या होगा। कोई भी राजदरबारी या कोई भी मंत्री इसको स्पष्ट नहीं कर सका, एक व्याख्या नहीं कर सका, किसान के इस बात की व्याख्या नहीं कर सका, इसका मतलब क्या हुआ। अंत में मुनादी की गई कि किसान को बुलाया जाए और उसी से इस व्याख्या को सुना जाए, इसका मतलब क्या हुआ। किसान को अंत में बुलाया गया दरबार में और किसान से पूछा गया कि आप जो कहते हैं कि मैं चार आने में खुश हूँ, खुशहाल हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी और परिवार के साथ बहुत अच्छे तरह से गुजार लेता हूँ, इसका मतलब क्या, आपके कहने का मतलब क्या है। किसान ने बताया कि मैं जो बोलता हूँ चार आने में मैं प्रतिदिन कमाता हूँ, चार आने में ज़िंदगी खुशी खुशी चलती है, अब पहला आना मैं पानी में फेंक देता हूँ। मतलब पहला आना जो है उससे मैं अपना परिवार चलाता हूँ और दूसरा आना जिसे मैं कर्जा चुकाता हूँ, इसका मतलब है मैं उसका अपने माँ बाप के ऊपर खर्च करता हूँ, उनकी सेवा में, क्योंकि उन्होंने मुझे जन्म दिया है, पाला पोसा है और मुझे बड़ा किया है, इसलिए मर्चा कर चुकाता हूँ। तीसरा आना मैं कर्ज देता हूँ। किसान की सारगर्भित बातें सभी लोग सुन रहे थे, सारगर्भित स्पष्ट नहीं थी, वो स्पष्ट कर रहा था। तीसरा आना मैं कर्ज देता हूँ, मैं अपने बच्चों को उस पैसे से पढ़ाता लिखाता हूँ और पालन पोषण करता हूँ, बड़ा करता हूँ, शिक्षित बनाता हूँ, ये मैं कर्ज देता हूँ। और चौथा आना मैं मिट्टी में गाड़ देता हूँ। मिट्टी में गाड़ देने का तात्पर्य यह है कि चौथा आना मैं बचत करता हूँ, निवेश कर देता हूँ, भविष्य की अनिश्चितताओं को देखते हुए कभी जरूरत पड़े तो। ये ऐसे मैं अपनी ज़िंदगी चलाता हूँ, मैं खुशहाल हूँ। सफासत में बैठे हुए लोग तालियों गड़गड़ाहट से खुश हो गए, क्या इनकी सोच है और परिवार कैसे चलाया जाता है। किसान ने बता दिया परिवार की खुशहाली पैसे से नहीं,
पैसे के उचित प्रबंधन से किसान की खुददारी और ईमानदारी की चर्चाएं होने लगी, उचित प्रबंधन की चर्चा। दोस्तों, आप इस छोटी सी वीडियो में आप बहुत कुछ पाएंगे। इंसान के अंदर अगर सफलता पानी, जीवन की उपलब्धि पानी हो, ईमानदारी एक बहुत बड़ी चीज़ है, और ईमानदारी और खुददारी से ज़िंदगी कैसे चलाया जाता है उस किसान ने अपने वक्तव्य में बता दिया। उम्मीद है मुझे उम्मीद है कि मेरा छोटा सा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। मैं आपके कमेंट्स चाहूँगा, और पसंद आया हो तो मैं आपका इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी निवेदन करूँगा। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मेरी बातें पहुँच सके। धन्यवाद।